हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे भाई से मिलवाने वाला हूँ फेसबुक कॉम्पिस्ट काम करके उन्हें अपने पेज को मोनेटाइज भी कर लिया आसानी से, अर्निंग भी कर रहे हैं। वो सब चीज़ मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ उन्हें कैसे मोनेटाइज करा, वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो किस कैटेगरी पे काम करते हैं, किस कॉन्टेंट पे काम करते हैं ना, और उनकी कैटेगरी क्या, आप उनके ऐसा कॉन्टेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें कितनी अर्निंग करी, कितने समय में उनका पेज मोनेटाइज हो पाया, क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी, तो सबसे मैं आपको इन डिटेल में आपको बताने वाला हूँ तो अपने वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो भाई आपका नाम क्या और आपका, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं। भाई मेरा नाम प्रफुल है, मैं गुजरात से बनासकांठा जिले से हूँ। मैं फेसबुक में एक साल से काम करता हूँ, ठीक है। एडसन रील पाने के लिए पहले काम करता था, बाद में मुझे बोनस का ऑप्शन मिला था तभी बीच में। तो फेसबुक पेज है आपके, कितने फॉलोअर हो चुके हैं आप? मेरा 10 के हो गया। तो किस कंटेंट पे काम कर रहे हैं, हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे? काम करता हूँ कॉपी पेस्ट वीडियो पे। कॉपी पेस्ट वीडियो पर? हाँ जी, ठीक है। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई थी वो बताएं हमारी ऑडियंस को। आप कब से काम कर रहे हैं वो चीज बताएं। आप पहले वो बताएं कि आप कब से काम कर रहे हैं इस फील्ड में। एक साल से काम करता हूँ। मेरा प्रोफाइल पे दो ऑप्शन मिले हुए, बोनस का और इन एस्टीमेट एड्स का। तो इनके प्रोफाइल का यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूँ, भाई मेरे पास सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर आप इनकी प्रोफाइल दे सकते हैं, कैसे ग्रो कराया और किस कंटेंट पे काम करते हैं आगे और पूछने वाले हैं, और कैसे इनको क्या क्या दिक्कत आई थी वो सब चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहें वीडियो के लास्ट तक, और इस वीडियो को यदि लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें आप, ठीक है। तो हम भाई से पूछते हैं, आप कॉपी पेस्ट का वर्क आपने जब स्टार्ट किया था तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिली थी? मुझे पहले तो सबसे कॉपी पेस्ट वीडियो पे अनओरिजिनल कॉन्टेक्ट का इशू आया था। फिर आपने क्या करा उसके लिए, उठाने के लिए? मैंने जो वीडियो है वो डिलीट कर दिया सब कुछ जो जी जी थी, और लाइव भी आता था, और 3 मंथ हो गया तभी मेरा वो हट गया, वरना नहीं हटना। जी जी, तो आपको ये पता क्या चला मतलब फेसबुक कॉपीस्ट वर्क करके हम अपने पेज को मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हैं? मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, आपका वीडियो देखता हूँ, आपसे थोड़ा नॉलेज लेता हूँ। जी जी, ठीक है। ऐसा होता और है, करते गया और ज्यादा नॉलेज लेते हैं। तो आपको जी कैसे पता पड़ा मतलब कि हम फेसबुक कॉन्टेंट डाल के फिर जब हमारे पे प्रॉब्लम आती तो उसको डिलीट करके लाइव आकर, जी कहाँ से आपको पता पड़ा? मुझे वो YouTube उस प्रॉब्लम कैसे था? तो ज्यादातर सब कुछ YouTube से सीखा है। तो आपका जो पेज मोनेटाइज हुआ उसमें से कुछ डॉलर वगैरह बने आपके? मेरा तो वो ज्यादा तो नहीं हुआ, बोनस पे तो 7-2-3 ऐसे डॉलर बने, ज्यादा नहीं बनते थे। तो दोस्तों आप यहाँ साइड में मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा लेता हूँ, देख सकते हैं आप कि भाई का मतलब फेसबुक जो प्रोफाइल है वो मोनेटाइज भी हो चुकी है और अभी रिव्यू में चला गया है वो। तो रिव्यू में कुछ थोड़ा टाइम लगता है रिव्यू कंप्लीट होने में, तो आप यहाँ पे साइड में दे सकते हैं, स्टार्टिंग होने लगी पैसे की। तो ये धीरे धीरे ऐसे मेहनत करते आएंगे और काम वर्क वगैरह करते आएंगे तो इनके और भी डॉलर बनते जाएंगे, ऐसे भी पैसा कमा सकते हैं। और आपको ये काम कैसे करना है, कैसे स्टार्टिंग करनी है, क्या क्या प्रॉब्लम को देखने के लिए मिलेंगी, वो सब चीज़ हम बात करते हैं पॉडकास्ट में। तो जी भाई आप जी बताएं कि इस कॉन्टेंट को आप कहाँ से लेते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, वो चीज़ बताएं आप। मैं ज्यादातर कॉन्टेंट इंस्टाग्राम से लेता हूँ, कभी कभी दूसरी जगह से लेता हूँ, अलग अलग कोई क्रिएट जगह नहीं है। फिर जी जी ऐसा एडिटिंग करता हूँ, वॉइस थोड़ा चेंज करता हूँ, अपना खुद का बना देता हूँ कॉन्टेंट, क्रिएट डालता हूँ। अच्छा अच्छा, आप ऐसे काम करते हैं। तो इनकी एक वीडियो का सैंपल मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दे देता हूँ, देख सकते हैं कुछ ऐसी वीडियो होती है इन भाई की। तो ये ऐसी वीडियो बनाते हैं, तो इसका मतलब कुछ ट्रिक वगैरह भी लगाई जाती है, जैसे कि हैशटैग बहुत से बताते हैं सब्सक्राइबर यूट्यूबर बताते हैं, इसमें ट्रिक वगैरह लगाई जाती है कि हैशटैग कुछ रैंक फैंक करने के लिए गाने वगैरह ऑडियो वगैरह, तो उसके बारे में आप बताएं। मैं तो एडिटिंग तो वो यूट्यूब से सीखा हूँ कि ऐसा करते ऐसा करते, बाद में वो कॉपीराइट तो देता है। जी जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जो अपलोड करते हैं तो अपलोड करने का तरीका हमारी ऑडियंस को बताएं, जिससे हमारे ऑडियंस की वीडियो भी वायरल होने लगे। मैं अपलोड तो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे करता हूँ, वो दो ही टाइम है जो। जी जी, तो अपलोड जैसे आप करते हैं तो उसमें किन किन हैशटैग का यूज करते हैं आप, टाइटल वगैरह मतलब जी उसके बारे में कोई ट्रिक वगैरह है वायरल करने की वो बताएं हमारे ऑडियंस को, या ऐसा कुछ होता नहीं है? सुबह का शाम जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो पहले हैशटैग लगाता हूँ, उस पर कुछ अच्छा दिखता हूँ, बाद में जब अपलोड करता हूँ तो ग्रुप में सेंड करता हूँ, फिर बाद में धीरे धीरे वो वीडियो वायरल होने। जो आपका जो कंटेंट है ना उसको आप इंस्टाग्राम पर भी डालते हैं?
वो नहीं, वो इंस्टाग्राम पे दोनों जगह पे नहीं डालने का, एक ही जगह पे डालने। एक और सवाल है मेरा, मतलब कि जैसे कि आपका जो कंटेंट है ना, तो उसकी कैटेगरी क्या है मतलब? हमारे यहाँ तो लोग जब माता रानी को बहुत मानते हैं, अच्छा, ऐसी वीडियो जल्दी वायरल होती है, जो भगवान के साइड जो वीडियो होती है ना, वो कैटेगरी अच्छी होती है, इस पर मैं वीडियो बनाता सही हूँ। बात है बिल्कुल, कि धार्मिक कंटेंट सबसे ज्यादा चलता है फेसबुक पर। और जो हमारी ऑडियंस है, हाँ जो फेसबुक पर 30 साल से 40 साल से ऊपर की ऑडियंस है, तो वो ऐसे तरीके के कंटेंट को ज्यादा देखती है। तो अगर आप भी ऐसे अपलोड करना चाहते हो तो भाई हमारे बता रहे हैं, है ना। और इसका एडिटिंग का तरीका क्या, वो आप नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलने वाला है, वो तरीके मैं आपको बताऊं कैसे उसकी एडिटिंग वगैरह करी जाती है, अपलोड कैसे आप कर सकते हैं, क्या क्या आपको गलती देखने के लिए मिलती है, आपको गलती को उससे कैसे सॉल्व करना है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। आपकी पहली वीडियो कब वायरल हुई थी? पहली जब वीडियो मैंने डाला तो वो तो 10K व्यू पे आया, तो मतलब जो आपकी जो पहली वीडियो जो वायरल हुई थी उस पर 10K व्यूज आए थे, मैं कितनी वो वीडियो डालने के बाद वायरल हुई और थी? कंटेंट डालता रहा, डालता 1 हफ्ता लग गया, बाद में सारी रील्स वायरल होने चलेगी। धीरे धीरे आपका पेज ग्रो होता रहा। हाँ धीरे धीरे सब कुछ टाइम लगना पड़ता है, बाद में ग्रो तो हो जाता है, सब कुछ टाइम देना पड़ता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे भाई ने 1 साल से काम कर रहे हैं इस कंटेंट पे, थोड़ा चीजों को समझने में टाइम लगता है ना। तो सब चीज आपको चीज फेस करनी पड़ती है, तब आप फेसबुक पे आप अपना काम कर सकते हैं और पैसे डॉलर कमा सकते हैं। और भाई से हम कुछ पूछना चाहेंगे, भाई हमारे ऑडियंस को आप कुछ बताना चाहेंगे, अपनी तरफ से कुछ टिप वगैरह देना चाहेंगे, तो वो चीज बताएं हमारे ऑडियंस को। कि जो भी आपको सेटअप का ऑप्शन चाहिए उस पे आप काम करना चाहिए, जैसे कि एडिशन रील चाहिए तो रील्स डालना चाहिए। तो मैं ये पूछा था जैसे कि आप इस समय आप कितने पेजों पर काम कर रहे हैं, खाली आपका सिंगल पेज है कि आप 5-6 पेजों पर काम कर रहे हैं इस समय? मेरा एक प्रोफाइल है, दूसरा भी प्रोफाइल है, और एक पेज भी है, तीन पे हो, तीनों में काम करता हूँ। अच्छा, 3 पेज पर काम करते हैं। तो हाँ तीनों पे सेम कंटेंट है या अलग अलग कंटेंट है? वो भी अलग अलग कॉन्टेंट है, वो कॉपी राइट है। जो हमारे बड़े भाई हैं इन्हें काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी हो, कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो हमारे भाई इन्हें जो कैसे काम कर रहे हैं जी, है ना, उस कंटेंट को कैसे बना रहे हैं, कैसे अपलोड कर रहे हैं, ये चीज आपको दूसरे पार्ट में सीखने के लिए मिलेंगे। 100 लाइक इस वीडियो पर करते हैं, सेकंड पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम अपने भाई से पूछ रहे हैं आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, यूट्यूब से मैंने भी तुम्हारे जैसे भाई मिला था, उससे वीडियो देखा और नॉलेज लिया, और कैसे अर्निंग होती है फेसबुक पे, ऐसा सच में होता है, सब कुछ अर्निंग भी होती है, आपको बस मेहनत करनी चाहिए, आप जैसे भाई का सपोर्ट करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए आप भाई चैनल आपका। आप हमारे वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो आपको आगे भी देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप इस वीडियो पर 100 लाइक और 15 कमेंट करते हैं तो आपको पार्ट 2 में आपको मैं सिखाने वाला हूँ इस कंटेंट को, आप कैसे कहाँ से आपको लेना है और कैसे आपको एडिट करके फेसबुक पे अपलोड करना है, और फेसबुक पेज को कैसे मोनिटाइज करना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आने वाली है उनको कैसे हटाना है, और फेसबुक पेज को कैसे मोनिटाइज करना है, वो सच्ची मैं आपको पार्ट 2 में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो करते लाइक, चैनल को लें सब्सक्राइब, बेल पर लें प्रेस, रिलेटिव और मैंने वीडियो नहीं वो आप एंडिंग में दे सकते हैं, मैंने कॉपी पेस्ट पे काफ़ी वीडियो नहीं आप दे सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।